सलाम दोस्तों। दोस्तों आज हम आए हैं आपके पास एक ऐसी वीडियो लेके जिसमें हम समझेंगे कि विंडो 11 को किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। आमतौर पे तो ऐसा होता है कि आप गूगल पर आते हैं, विंडो 11 डाउनलोड लिखते हैं और वो डाउनलोड हो जाती है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि लिंक डाउनलोड का नहीं मिलता या लिंक बटन डाउनलोड का बटन नहीं मिलता। तो आज हम देखेंगे विंडो 11 को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। गूगल पे जस्ट आपने विंडो 11 डाउनलोड लिखना है। ISO फाइल हमें डाउनलोड क्योंकि करनी है। पहला ही जो लिंक होगा वो विंडोज़ का अपना लिंक होगा, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी। अगर तो उस पे लिंक मौजूद है तो बहुत ही ईजी है, हम इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कि विंडो 11 की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि विंडो डाउनलोड का बटन भी मौजूद है। अगर बटन मौजूद ना हो तो हमें क्या करना है? अगर बटन मौजूद है तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बटन मौजूद ना हो तो उस सिचुएशन में हमें एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस स्टेप का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर डाउनलोड ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर हम डाउनलोडिंग को स्टार्ट इजीली कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेक्ट डाउनलोड मल्टी एडिशन, जाहिर सी बात है कि हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, तमाम चीज़ें वही हैं जो आप करते हैं और इजीली हो भी जाती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग बिल्कुल इजीली शुरू हो जाती है। लैंग्वेज पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज पे डाउनलोड करना है। अगर ये चीज़ आपके सामने ना हो तो फिर हम आएंगे सेटिंग्स के ऊपर और डेवलपर टूल्स पर आने के बाद हम यहाँ पर आएंगे मोर टूल्स पे और यहाँ से हम लेंगे नेटवर्क कनेक्शंस। जी हाँ, नेटवर्क कनेक्शन जो है वो हमारा काम बनाएगा। अगर हमारे पास डाउनलोडिंग प्रॉपर नहीं आ रही हो तो यहाँ पर हम आके नेटवर्क कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्राउज़र को यहाँ से चेक हटा के इस क्रोम ब्राउज़र पे हम क्लिक करेंगे। यूज़ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर आके हमने क्रोम ब्राउज़र सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने इस पेज को रिफ़्रेश करना है। आप देख सकते हैं पेज रिफ़्रेश हो चुका है। और अगर यहाँ पर ये डाउनलोडिंग का बटन ना होता तो इधर हमारे पास ऑलरेडी, तो फिर इधर हमारे पास ये सेटिंग करने के बाद बटन आ जाता। तो चलें, अब क्योंकि पहले से ही मौजूद है तो हम इजीली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। एडिशन मैंने मल्टी एडिशन को सिलेक्ट किया है। 5.4 GB या 5.5 GB की ये विंडोज़ ऑलमोस्ट होगी इसका स्पेस। और उसके बाद मैंने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स की, हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 1-2 सेकंड्स का इस पे टाइम लगता है। 64 और 32 बिट, तो एग्जैक्टली 64 बिट को हम सिलेक्ट करेंगे। 64 बिट को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमारी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। बहुत आसान मेथड है। इसके बाद आपने इसको पिन ड्राइव बनाना है, अपने लैपटॉप के अंदर विंडो 11 को इंस्टॉल करना है। बहुत ज़बरदस्त विंडो 11 को डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही लाइट ये विंडो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।